हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही इस वीडियो में विटामिन ई के कैप्सूल में खास चीज़ें मिलाने के बाद पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर उससे पहले दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, विटामिन भी कहा जाता है इस कैप्सूल को। आज आपको बताएंगे कि कैसे इसका सही इस्तेमाल करके आप अपने स्किन, बालों की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। ये विटामिन आपके स्किन की चमक को बढ़ाती है। आज आपको बताएंगे कि कैसे इसका आप सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन ई में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट के गुण आपके चेहरे से लेकर बालों तक के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इसके इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं या नहीं, क्योंकि इसका यदि आप सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो आपका कई गुना असर देखने को आपको मिलेगा। होठों के लिए विटामिन ई का प्रयोग आप अपने होठों के ऊपर भी कर सकती हैं, क्योंकि यह आपके होठों को मुलायम और चमकदार बनाता है। इसके लिए आप विटामिन ई के कैप्सूल से उसका लिक्विड निकालकर आप इसे बादाम के तेल या ग्लिसरीन के साथ मिलाकर अपने होठों पर सोने से पहले लगाएं। इससे आपके होठ कुछ ही दिनों में सॉफ्ट और चमकदार दिखाई देंगे। चेहरे के लिए विटामिन ई कैप्सूल का प्रयोग आप अपने चेहरे पर आसानी से कर सकते हैं। ये आपकी त्वचा को ड्राई होने से बचाता है और इसे चमकदार बनाता है। इसके लिए आप उसे रोजाना रात में सोने से पहले बादाम या नारियल के तेल में मिक्स करके लगाएं। आप चाहें तो इसका प्रयोग अपने मॉइस्चराइजर, लोशन या स्क्रब में मिलाकर सीधे चेहरे और गर्दन पर कर सकती हैं, क्योंकि आपकी त्वचा को काफ़ी स्मूथ बनाता है। आंखों के लिए, आंखों के नीचे पड़ रहे काले घेरे या फिर थकी हुई आंखों के लिए इसका इस्तेमाल अच्छा माना जाता है। ऐसे में आप विटामिन ई ऑयल को सीधे अपनी आंखों के नीचे लगाकर रात भर के लिए छोड़ दें। इसका असर आपको कुछ ही दिनों में दिखाई देने लग जाएगा। बालों के लिए विटामिन ई का प्रयोग आप न सिर्फ स्किन के ऊपर कर सकती हैं, बल्कि आप इसे अपने बालों के लिए भी कर सकती हैं। ऐसे में आप विटामिन ई का इस्तेमाल अपने रोजाना लगाने वाले तेल में डालकर कर सकती हैं। आप इसका प्रयोग बाल धोने से एक दिन पहले करें। इसके लिए आप नारियल तेल में विटामिन ई के तेल को अच्छे से मिक्स करके अपने बालों में लगाएं और सुबह फिर शैम्पू कर लें। स्ट्रेच मार्क्स से छुटकारा। महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान सबसे अधिक स्ट्रेच मार्क्स की समस्या देखने को मिलती है। ऐसे में आप इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए विटामिन ई कैप्सूल में आप बादाम या नारियल तेल मिलाकर लगाएं। इससे दाग आपके हल्के पड़ जाएंगे और धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। स्क्रब, इसके अलावा आप इसका प्रयोग अपने फेस मास्क में मिलाकर भी कर सकती हैं, क्योंकि कभी कभी जब आप फेस पैक लगाती हैं तब आपकी स्किन खिंचने लगती है। ऐसे में आप अपने फेस पैक में इसे डालकर लगाएं। इससे आपकी त्वचा काफ़ी खिली खिली और मुलायम दिखाई देगी। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सोशल मीडिया पे मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स, और प्लीज़ लाल बटन जो सब्सक्राइब का उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक करें ताकि आप मेरी न्यू वीडियो की अपडेट जानते रहें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक और नई वीडियो में एक और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जब तक के लिए आप हेल्दी रहें, फिट रहें, खुश रहें। बाय बाय।